हमीरपुर में बीजेपी की महिला विधायक के मंदिर में प्रवेश करने पर अपवित्र हुआ मंदिर। पुजारी ने पूरे मंदिर को गंगाजल से धुलवाया। इतना ही नहीं, पुजारी ने गांव से चंदा वसूली कर मूर्ति को इलाहाबाद के संगम से स्नान भी करवाया। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट देश के कई मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीजेपी की एक महिला विधायक के मंदिर में प्रवेश करने पर उसे गंगाजल से धुलवाकर पवित्र कराने का मामला सामने आया है। दरअसल विकासखंड राठ के मुस्कुरा खुर्द गांव में धूम ऋषि का आश्रम है, जहां धूम ऋषि की प्रतिमा भी लगी हुई है। मान्यता के मुताबिक यहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, महिलाएं यहां बाहर से ही दर्शन करती हैं। हम आपको बता दें कि ये मामला यूपी के हमीरपुर जिले का है, जहां 12 जुलाई को राठ विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक मनीषा अनुरागी एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। इस दौरान उन्होंने आश्रम में पहुँच धूम ऋषि के मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। इसी बीच ग्रामीणों ने जब महिला विधायक को मंदिर प्रांगण में देखा तो हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पूरे आश्रम व मंदिर को गंगाजल से धुलवाकर पवित्र कराया गया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने चंदा कर धूम ऋषि की प्रतिमा को इलाहाबाद के संगम में स्नान भी करवाया और पूजा अनुष्ठान भी करवाए गए। ये मामला हुआ साहब की मनीषा अनुरागी आई थी, वो यहाँ आई मंदिर देखने, वो यहाँ के आके चढ़ गए ऊपर चौंतरा पे, यहाँ औरत का जाना मना है। अब वो वहाँ चढ़ गई, इससे हमारा देवता पवित्र आवित हो गया। उससे जो है गांव वालों को बहुत घृणा हुई, गांव वाले जुड़े, कोई गांव में ऐसा होता कुकाल के बोलते ही नहीं थे, तो फिर जो है गांव जुड़ो तो उनको गम गम ले गए। उठे वहाँ स्नान कराया, स्नान करा के वहाँ से 500 आदमी गए और लौट के आए, यहाँ कछाठा कराई, उसको पवित्र किया और पवित्र करके बस उनको उड़ना से पानी चालू पानी बरसा, गाँव को उत्साह हो गया। धर्म महाराज यहाँ मंदिर में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पुजारी हैं। हाँ बाबा जी, यहाँ पे क्या मामला सामने आया है, क्या घटना हो गई है यहाँ पे? घटना वही है कि मतलब माता जी अनिशा जी माता जी आई थी, मतलब चढ़ गई सशुद्ध होकर चौथरा, गंगा जी आए, बुड़की देवा ले आई, बुड़की देवा के इन्होंने अपने स्थान में उन्होंने जमा कर दो, जमा करके मतलब जो पूर्ण धर्म था गांव वालों ने और नल जी को थोड़ी बहुत उन्होंने कर दिया है। अब जो गाँव जहाँ एक और देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वहाँ पर इस तरह के मामले सामने आकर एक अपने आप में नया सवाल खड़ा कर देते हैं। यूपी के हमीरपुर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ रमाकांत की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।